हाँ, तो आपको लगता है राज्य सरकार ने बहुत देरी दिखाई है इसको हैंडल करने में, क्योंकि जब तक हिंसा का पूरा फैल चुका था, सोरेन जी उसके आधे घंटे ये 2 घंटे बाद कहते हैं हमको अभी पता चला कि ये सब हो रहा है, ये उनका बयान है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 25,000 लोग जुटते हैं ये मेन रोड पे और प्रशासन को इसकी खबर नहीं होती, इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता, स्पेशल ब्रांच जो इसके लिए पूरे तरीके से है उसे इस बात की जानकारी नहीं होती कि 25,000 लोग जुटने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका इंटेलिजेंस का मेजर नेटवर्क था, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने तो स्पेशल ब्रांच के अफसरों को दिल्ली तक तैनात करके रखा है कि ईडी किन से क्लूज ले रहे हैं, उनके वो निगाह रखे में अपना बेसिक काम ये भूल गए हैं। 25,000 लोग जमा होते हैं, उसके बाद पूरा सिटी अंडर सीज था, यानी अराजक तत्वों ने और दहशतगर्दों ने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा था, और 6 घंटे तक पुलिस के साथ उनकी जिस तरीके से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इनका मनोबल बढ़ा रहा था। पुलिस वाले को गोली मार देते हैं, ये पुलिस वाले पे पत्थर चलाते हैं, एसपी पे पत्थर चलाते हैं, एसपी को चोट लगती है, डीसी के ऊपर भी इस तरीके की पत्थरबाजी की खबरें आती हैं। तो जिस तरीके से डेली मार्केट के पास एक थाना प्रभारी का सर फूट जाता है, तो जिस तरीके से इन अराजक तत्वों का मन बढ़ा हुआ था, मुझे लगता है इसकी बुनियाद लॉकडाउन के समय ही रखी गई थी, जब हिंदपीढ़ी में पूरे शहर में पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा था, लेकिन हिंदपीढ़ी में इसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही थी, और जब सीआरपीएफ को बुलाया गया लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए हिंदपीढ़ी में, तो वहाँ भी एक विशेष समुदाय के लोगों ने सीआरपीएफ के डीएसपी पे हमला करके उसका सर फोड़ दिया था। तो अगर उस समय ही सरकार सख्त हो जाती और प्रशासन सख्त हो जाता, ऐसे अराजक तत्वों को अगर स्पीड कोर्ट से सजा दिलाई जाती, तो ये स्थिति आज नहीं आती। कहीं ना कहीं इनके बीच में, इन अराजक तत्वों के बीच में ये हमारी सरकार है वाली फीलिंग आ गई है। आपको लगता है इसमें कुछ पॉजिटिव मोटिव भी है हेमंत सोरेन जी का? जिस तरीके से ऐसी बातें आ रही कि हाथ बांध के रखा, परमिशन नहीं मिल रहा था, आईपीएस डर के भागने का कगार पे थे, इस तरह की सिचुएशन आ गई थी, जब आईपीएस का ऐसा हालत होगा तो आम जनता कहाँ जाएगा? देखिए, गोली चलाना एसओपी में भी अगर आप देखें तो गोली चलाने को कितना जस्टिफाई करते हैं? नहीं, गोली चलाना तो लास्ट ऑप्शन हमेशा पुलिस के पास होता है, पहले वो सारे उपयोग कर लेते हैं, ये हमारे जस्टिफिकेशन का बात नहीं है। ये मौका है, वारदात पे जो पुलिस अधिकारी थे या जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका लिया गया निर्णय है, इस पर हमारा बोलना उचित नहीं है। तो फिर पुलिस सारे अपने जितने तरीके की चीज़ें होती है वो आजमा लेती है। गोली फायरिंग कोई नहीं चाहता है कि गोली फायरिंग हो, लेकिन जब इस तरह की नौबत आ गई होगी तब शायद इन्होंने निर्णय लिया होगा, लेकिन इस पर हमारी टिप्पणी करना उचित नहीं है। और हम पूरे तरीके से मानते हैं कि जैसा राजा वैसा प्रजा, यानी कहीं ना कहीं राजा ने यह संदेश दे रखा है एक विशेष तरह के लोगों को कि आप कुछ भी कर लें आपको कुछ नहीं होगा। शायद पूरी भीड़ में मुश्किल से 100-200 लोग होंगे जो इस तरीके हिंसा की चीज़ चाह रहे होंगे, लेकिन भीड़ कहीं ना कहीं जो भीड़ तंत्र है, भीड़ का जो साइकोलॉजी है, इन लोगों से मोटिवेट हो जाता है। तो ये 100 लोगों को आइडेंटिफाई, 200 लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आपको लगता है धर्म के नाम पे अब झारखंड नहीं बट रहा है? क्योंकि कहीं हम लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उससे हिंदू जो है खासकर वो हेमंत सोरेन से खासा नाराज है, तो ये हिंदू नाराज होना मुस्लिम खुश होना ये क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम का हेमंत सोरेन से नाराज़गी की कोई अलग अलग कैटेगरी की बात है। मुझे लगता है उनसे पूरी जनता नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने रोजगार के वायदे किए थे तो उसमें हिंदू और मुस्लिमों को अलग नहीं किया था, बेरोजगारी भत्ते की बात की थी तो उसमें हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं किया था, सबको ऐसा देने की बात की थी और किसी को नहीं दिया। तो पूरी की पूरी झारखंड की जनता उनसे नाराज़ है, और उनकी तुष्टिकरण की नीतियाँ भी जैसी रही हैं तो उसे बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। अंसारी जी का जो स्टेटमेंट आया है पुलिस पर, इस पर क्या बयान देंगे? देखिए, इरफान अंसारी जी को मैं बहुत एक रिस्पॉन्सिबल MLA मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से अभी विपरीत परिस्थिति में पुलिस लड़ रही थी, पुलिस कप्तान हॉस्पिटलाइज थे, डेली मार्केट के पास थाना प्रभारी को सर फट गया था, इस तरीके से कितने दर्जनों पुलिस अधिकारियों के ऊपर चोट लगी थी, उस समय अगर आप विपरीत पुलिस परिस्थिति में संघर्ष कर रही पुलिस का मनोबल तोड़ते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। आप किसी अधिकारी को चिन्हित करके कहते हैं कि मैंने उसकी पोस्टिंग का विरोध किया था फिर भी उसकी पोस्टिंग हो गई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पूरे फोर्स को डिमोलाइज कर रहे हैं। और इरफान अंसारी का ये कहना कि उन्होंने विरोध किया था पोस्टिंग में, ये साफ दिखाता है कि इस सरकार में पोस्टिंग जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है वो नहीं चलता। वो कहता है कि जो एक कमेटी बनी रहती है सीनियर ऑफिसर्स की, वो अनुशंसा करती है IPS ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग की, पर यहाँ तो इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि उन्होंने विरोध किया, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है पोस्टिंग में, जो कि उचित नहीं। यूपी में जो योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, आपको लगता है झारखंड में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए हमेशा, जिस तरह के दहशत गर्द हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी रूप में हो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सिर्फ अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है प्रशासन ने क्लियर नहीं किया, FIR करने में इन्हें 24 घंटे लग गए, तो सिर्फ इंटरनेट को डाउन कर देने से ये सोचते हैं बड़ी तीर मारी इन्होंने, तो ये उचित नहीं था। इनको अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए थी, गिरफ्तारियां करनी चाहिए थी। आप सोचें, एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई
लेकिन मौका वारदात से एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये कैसा इनका प्रशासन है और कैसा यहाँ जो सरकार है उसका इकबाल है, ये सोचनीय है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।